एक मन में एक सोच आया, काम करते करते एक गाड़ी लिया, फिर दो गाड़ी, फिर तीसरा गाड़ी, और एक गाड़ी मैं अपने पर्सनल अपने लिए रखता हूँ। एवरेज है 100 किलोमीटर तो चलती है, 400 रुपए पर डे जी डेली भी देते हैं, दोनों तरफ से फायदा है, हो जाता है 1000-1200-1500। अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा है, जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बेकार भी हो गया है, और स्कूल में कमाई है, इसको 3 साल हो गए, कैश में 3 लाख पड़ा है, अभी 4 तक के चले गई है, वारंटी है आपकी बैटरी की, 2 साल हुआ है, गंदगी नहीं करती है, लगा 32 सेल में से 1 सेल की कीमत है 6.5 से 7 हज़ार, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, 6 से 7 लोग आराम से बैठ जाते, 6 से 7 से पहले मैं गाड़ी चलाता था। एक छोटा सा रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हेलो गाइस, मैं रोहित सिंह, आज से कैसे आप लोग आए हो, आप लोग ऑप्शन में मेरे को देखते हुए गाइस देख सकते हैं, मेरे क्या है और ई ऑटो बोलते हैं इसको, जो महिंद्रा का है, और मेरे साथ है मिस्टर नीलाधर साहू जी है, जिनके पास 3 गाड़ी है सर। बहुत लोग इसका करके सोचते हैं कि गाड़ी ले लें और किराए में चलवाएँ, तो ये भी एक अच्छा साधन है, बिजनेस है, अगर आप नहीं चलाना चाहते हैं तो आप किराए में भी चला सकते हैं इस तरह से ऑटो को। और हर दिन मैं आपको डेली लेके आता हूँ, दोपहर 1 बजे, शाम को 6 बजे, ऐसी देख के आप मोटिवेट हो सकते, आगे बढ़ सकते हैं, और आपको बहुत सारी जानकारी देता हूँ मैं, ताकि आप भी कुछ कर सकें अपने लाइफ में, और अगर आप चाहते हैं तो आप भी चालू कर सकते हैं। चाहिए हम उनसे बात करते हैं कैसा है ये बिजनेस, और इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। हेलमेट पहना जरूरी है, फिर भी आप डरते हैं, जल्दी इसलिए बात करना है, रिक्वेस्ट है हेलमेट पहन के निकलिए, ताकि आप सेफ रहें, आपकी फैमिली से। चलिए आइए हम उनसे बात करेंगे, इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं। नीला धरती, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद। ये बिजनेस आप कब से कर रहे हैं? 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए जी। तो इसका आइडिया कहाँ से आया था, मतलब आप क्या इसी फील्ड में हमेशा से हैं? जी नहीं नहीं, एक मन में एक सोच आया, काम करते करते, वर्क करते करते, जैसा भी है, एक गाड़ी लिया, फिर दो गाड़ी, फिर तीसरा गाड़ी, ऐसा करके, फिर बाकी गाड़ी किराए में चलती है, और एक गाड़ी मैं अपने पर्सनल अपने लिए रखता हूँ, जिसको मैं चला। तो कौन सी गाड़ी है, तीनों गाड़ी है? ये पहले नंबर की गाड़ी है, सब महिंद्रा है? जी महिंद्रा है। अच्छा, तो महिंद्रा ही क्यों लिया आपने? परफॉर्मेंस अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, एवरेज अच्छा है, सब चीज अच्छा है गाड़ी में। तो अभी इसकी एवरेज क्या दे रहे हैं? अभी एवरेज है, नहीं सही में 100 किलोमीटर तो चलती है। अच्छा 100 किलोमीटर 3 साल में। और ये एक गाड़ी जब लिया था तो फाइनेंस करा के लिया था? नहीं नहीं, कैश कैश पहले कैश लिया था, फिर फाइनेंस कराया आपने? जी। तो अभी तीनों गाड़ी को किराए में कितने का देते आप? 400 रुपये पर डे। अच्छा जी। और अभी क्या डेली उन लोग पैसा देते हैं कि? जी डेली भी देते हैं, किसी लोग का महीने में रहता है, वो लोग महीने में लगा रहते हैं, जैसे स्कूल वाले बच्चे लोग के लिए रह गया, तो उन लोगों का महीने में हिसाब होता है, तो उन लोग महीने के महीने या हफ्ते के हफ्ते 15 दिन ऐसा टाइप से देते हैं। जैसे कुछ चलाना फायदा है कि किराए में देना भी फायदा है? दोनों तरफ से फायदा है, आदमी अगर करना चाहे तो, ये क्या है एक बिजनेस हो जाता है, आदमी क्या है 4 पैसा यहाँ से भी उधर से भी जैसे भी आदमी को मिलना चाहिए। अभी आपकी कितना इनकम हो जा रही है इससे? हो जाता है 1000-1200-1500-2000 एक गाड़ी से? नहीं, अपने जैसे हम चलाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500-1500 इतना बन जाता है, और जैसे किराए में देते तो कम आता है। तो तीनों गाड़ी से आप कितना कमा ले रहे हैं अभी, अभी की स्थिति में महीना? अभी के डेट में तो अब कम हो गया, 1000-1500 रुपये बन जाता है। अच्छा, अभी के डेट में कम हो गया है, पहले जैसा नहीं रहेगा। तो भी 40-50 हज़ार कमा लेते हैं तीनों गाड़ी से? नहीं, 40 हज़ार तक? नहीं, उतना भी नहीं जाता, 30 हज़ार तक। खर्चा बहुत ज़्यादा है ना, खर्चा बहुत ज़्यादा है। क्या चीज़ का खर्चा है इसमें? अब ऐसे बोलोगे तो बच्चों का, घर का, दुनियादारी जैसा भी है, लगता है भाई हर चीज़ का पैसा, समझ रहे हो। अभी जैसे कि बहुत सारी ब्रांड है, आपने महिंद्रा लिया क्योंकि ये अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, वारंटी है, गारंटी है, गाड़ी अच्छी है। तो अभी क्या
आप सजेस्ट करोगे कोई अगर किराए का लेके गाड़ी लेके? किराए में मत लो, किराए में लेने से कोई मतलब नहीं, खुद चलो खुद चलाओ वो सही है। नहीं मतलब किराए में देने वाला काम वो बेकार है, वो बेकार है आज की डेट में बेकार है। अभी आपके पास तीन गाड़ी है, अभी उतना अच्छा नहीं है? नहीं उतना अच्छा नहीं है। अभी और गाड़ी लेके नहीं किराए? नहीं 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 दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। अच्छा, पूरा मार्केट लो हो चुका है, पहले जैसा नहीं रहेगा। क्या प्रॉब्लम है अभी? गाड़ी पूरा कचरा हो गई है। और मेन चीज ये है कि क्या है, जो काम जो 10 रुपए में, जो 100 रुपए में होता था, वो आज 50 रुपए में हो जा रहा है। बात ये क्या हो गई, इससे आवागमन का तो जो जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बेकार भी हो गया है। और आदमी क्या है, 10 रुपए 20 रुपए कमाने के लिए मतलब यहाँ थोड़ा दूर तक के बस रेट खराब कर दे रहे हैं। मेन ये है। स्कूल वाले में भी कमाई है ना? स्कूल में कमाई है, बच्चे लोगों को लाने और ले जाने में कमाई है, बन जाता है जैसा भी है जो भी है। अभी इस गाड़ी को कितना टाइम हो गया? इसको 3 साल हो गया। 3 साल हो गया जी। थोड़ा सा यहाँ से स्क्रैच आ रहे थे क्या? नहीं नहीं, वो गाय टकरा गई थी, गाय लोग झगड़ा हो रहे थे ना। अच्छा, तो आगे थोड़ा सा गाड़ी में कितना पड़ गया था गाड़ी आपको? ये मेरे को कैश में 3 लाख पड़ा था। 3 लाख रुपए? जी जी। अभी क्या रेट है इसकी? इसकी रेट होगी अभी 4 तक के चले गई है। और अगर किस्ती में लेंगे तो ज्यादा पड़ जाएगा? किस्त में ज्यादा पड़ जाएगा, 4.5। अच्छा अच्छा जी। और अभी स्पीड क्या दे देता है ये? ये स्पीड जाती है इसकी, पहले 40 चक्के जाती है, और बी मोड में दौड़ाओगे आप तो बी मोड में करीब करीब 50-55 जाती है। अच्छा। और यहाँ भी ये आपने बना दिया ना? जी हाँ। बैठने के लिए अलग से बनवाना पड़ता है। ये कितना खर्चा है? ये आया था 2000 रुपए। 2000 रुपए जी। कंडीशन रखे आपने? जी। पीछे बहुत लोग मारे क्या पूरा? वो क्या है, जाम के वजह से ना, जैसे जाम लगा रहता है ना, तो आगे पीछे बाइक वाले लोग, और ऐसे भी ये हल्का है, बम्पर जो है ना हल्का है, कमजोर रहता है, वो हो जाता है। कंपनी की सर्विसिंग कैसी है? अच्छी है, कंपनी की सर्विस अच्छी है। अच्छी है। सजेस्ट करोगे अगर कोई महिंद्रा के लिए? मैं तो बोलता हूँ भैया जैसा भी है अच्छा है, महिंद्रा गाड़ी अच्छा है, लेना चाहिए आदमी को, एक बार लेके देखो। बढ़िया, आपके पास तो 3-3 गाड़ी है ये। जी जी, है ना? आपको कोई दूसरा ब्रांड नहीं लिया, काइनेटिक हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो सब मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो सब गाड़ी ना लें, क्योंकि वो गाड़ी काम ज्यादा मांगती है। अच्छा जी। और दूसरे ब्रांड काम ज्यादा मांगते हैं? काम ज्यादा। बारिश में कैसा है इसका परफॉर्मेंस? बहुत बेहतरीन। मतलब बारिश में इधर पानी नहीं भर जाता है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये क्या है, जैसे अपन लेते हैं ये सब यात्री गाड़ी वाड़ी जैसा भी जो भी है, ये पानी बरसात के टाइम में हल्की पानी पड़ती है ना मोटर और बैटरी में, तो वो गाड़ी रुक जाती है। और ये गाड़ी में अगर पानी भी पड़े, आप पानी के बीच से भी निकालोगे, तो इस गाड़ी में कोई फर्क नहीं, ना आपको परफॉर्मेंस में, ना स्पीड में, ना कोई चीज में आपको दिक्कत नहीं देगी ये गाड़ी। और वारंटी क्या क्या चीज की मिली आपको? वारंटी है आपकी बैटरी की है 80,000 किलोमीटर की, और मोटर की है 80,000 किलोमीटर की, जो भी है ये दोनों का ही वारंटी है मेन। अभी हो गया 80,000? जी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ। बचा है 3 साल भी नहीं हुआ है गाड़ी को ऐसे। पूरा दो ढाई साल हुआ है अभी। 2.5 साल हो गया है। बढ़िया है यार, मतलब स्पीड भी अच्छा दे रहा है। अभी एवरेज कम हुआ है क्या? हाँ अभी थोड़ा सा एवरेज कम हो गया है। अभी कितना दे रहा है? 100 चल रहा है अभी गाड़ी। 100? 130 की बताती है कंपनी, हम 120 मान के चलते हैं, ज्यादा नहीं। मतलब पेट्रोल से डीजल से अच्छा है ना? बहुत बेहतरीन है ना। तो इको फ्रेंडली गाड़ी है, तो इससे क्या होता है पोल्यूशन का भी कोई वो नहीं है, और प्लस क्या है, जैसा भी है धूल डस्ट जो भी है जैसा भी है, गाड़ी तो गंदगी नहीं करती है। पोल्यूशन का ही मेन मुद्दा ये है कि पोल्यूशन का नहीं, और प्लस कि गाड़ी तो बहुत अच्छी है, जैसे फैमिली के लायक रहे चाहे बाहर के लायक रहे। कोई सजेशन देना चाहेंगे कि अगर ये ऐसा रहता तो और अच्छा रहता? अभी और नहीं, अब आने वाले समय में और अच्छा हो जाए, जैसे 130 किलोमीटर चल रहे हैं तो 200 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी आ जाए तो और अच्छी की बात रहेगी। आई है ये? नहीं आई है ना, महिंद्रे में अभी नहीं आई है, महिंद्रे में आने वाली है। 150 नया मॉडल है, नया मॉडल है, बस वही है, उसमें सेल बढ़ा दिया गया होगा, जैसे इसमें 32 सेल लगा है ना, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 45-55 सेल लगा होगा। कितने का आता है नया बैटरी? 1 लाख का बैटरी है, मतलब एक थोक सेल जो है ना 32 सेल लगा है, 32 सेल में से एक सेल की कीमत है 6.5-7 हजार रुपये। अच्छा अच्छा।
बढ़िया यार, इस टाइप से भी धंधा किया जा सकता है। ये कितने साल और चलेगा ये गाड़ी? अब वैसे तो नहीं बता सकते अपने मन से, अब वो समझ रहे हो आप, ये क्या है, मशीन चीज है, कभी भी कोई भी हो सकती है। बोलते नहीं है चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। लेकिन महिंद्रा है, महिंद्रा है, चलने की गारंटी तो वो कंपनी देती है, ब्रांड है बोल के। अच्छा जानकारी आपने दिया है इसके बारे, थैंक यू सो मच। और इस टाइप का अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो कर भी सकता है अपने रेंट वेंट का काम, मतलब कुछ पैसा आएगा। कुछ किसी शहर में बहुत कम गाड़ी देखने को मिलता है, लेकिन इधर बहुत सारी गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगा रोड में, बट कोई कोई शहर में अभी इतना नहीं हो रहा है, तो उस शहर में के लिए अच्छा गाड़ी है ना। इसमें पलटी वल्टी का प्रॉब्लम नहीं है जी, वो गाड़ी थोड़ा सा वो पलट जाएगी, वो पलट जाती है। कितने लोग बैठ जाते हैं इसमें? इसमें 6 से 7 लोग आराम से बैठ जाते हैं, 6 से 7 लोग। ये भी आप अलग से बनवाओ कि? नहीं नहीं, वो बना बुना है। तो मिला था साहू जी आपसे मिलके, बहुत अच्छा जानकारी मिला, मिलके अच्छा लगा। और इस टाइप का भी बिजनेस किया जा सकता है जी जी, है ना। इससे पहले आप क्या करते थे, मतलब ये ऑटो वाला धंधा करने से पहले? इससे पहले तो मैं गाड़ी चलाता था। अच्छा अच्छा, कार चलाता था। अच्छा अच्छा, फिर आपने सोचा खुद का चालू किया? जी जी जी, है ना। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस टाइप का भी बिजनेस किया जा सकता है। रेंट में इन्होंने 3 गाड़ी कर लिया है, 1 गाड़ी से चालू किए थे और सारे महिंद्रा का रखा है। तो महिंद्रा का भी इस टाइप से काम किया जा सकता है। अगर गाड़ी आप चाहते हो रेंट में चालू करना तो आप कर सकते हो। और दोस्तों ऐसे ही लोगों से मिलके अच्छा लगता है कि खुद का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, धीरे धीरे अपना गाड़ी बढ़ा सकते हैं, फाइनेंस में ले सकते हैं। और फाइनेंस भी ऐसा है कि 50-60 हज़ार रुपये दीजिए और फाइनेंस में मिल जाता है। आप फाइनेंस में लिए हो? जी नहीं जी, वो दोनों को फाइनेंस में लिया था ये पहले। क्या वो कितना फाइनेंस दिया था आपने? वो 50,000-55,000 ऐसे। तो एक छोटा सा रिस्पेक्ट देना चाहूँगा आप लोग, सच नगर के पिंजरे के तरफ से बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और एक रिस्पेक्ट है और एक क्लैप है। कभी कभार होता है कि लोग इस टाइप का काम को लोग सोचते छोटा काम जी, है ना, और रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता जी, उसके लिए एक छोटा सा रिस्पेक्ट है। और आज आपको कैसा लगा वीडियो बना के? अच्छा लगा आपके, आपसे मिलके अच्छा लगा मुझे। और वीडियो बना के अच्छा लगा आपको? लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो ये वीडियो देखेंगे, कि अगर इस टाइप से कोई बिजनेस करना चाहता है? मैं तो कहता हूँ कि आदमी को लेना चाहिए ज़रूर, लेकिन अपने अपने आप से ही खुद चलाना चाहिए। क्या है आज की युग में ना, कभी किसी चीज़ को किराए में मत दो, वो अपनी चीज़ है। क्योंकि देखो ड्राइवर जो रहेगा वो अपने हिसाब से चलाएगा, और हमारी चीज़ रहेगी और तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे। ड्राइवर से डॉक्यूमेंट क्या लेते हो आप, जो आधार कार्ड ये सब लेते हैं? जी जी जी, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड का फोटो कापी, आधार कार्ड का फोटो कापी जो भी है जी। तो इधर मैं साहु जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही दोस्तों मेरा वीडियो देखा कीजिए, मेरा वीडियो डेली आता है दोपहर 1 बजे शाम को 6 बजे। ऐसे देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और कभी हार मत मानिए अपने लाइफ में, बहुत टाइम ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में, बट चलते रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कभी हार मत मानिए। नेवर गिव अप इंडिया, बाय गाइस, जय सतगुरु।